इस वीडियो में हम लोग मोशन का परिचय प्राप्त करेंगे। इंट्रोडक्शन पे हमारा मन फोकस रहेगा। मोशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के कंटेक्स्ट में तो है ही, जीवन के कंटेक्स्ट में भी है, क्योंकि यह कहा गया है कि अगर कोई चीज़ परमानेंटली रुक गया तो उसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो जाएगा। यानी जो भी चीज़ें आप अपनी कल्पना में लेकर के आओगे, विजुअलाइजेशन में लेकर के आओगे, फाइनली आपको पता चलेगा कि वो किसी न किसी के अराउंड, किसी न किसी के अबाउट ज़रूर मूव कर रहा है। यहाँ तक कि हम अपने सोए हुए अवस्था में भी देखें तब भी हमारे ब्लड का सर्कुलेशन कंटिन्यूस होते रहता है, सांसें हमारी चलती रहती हैं, एयर हमारे फेफड़े तक जाता और वहाँ पर सभी प्रक्रियाएं पूरी होती रहती हैं। ऑल्दो हम खुद को तो रेस्ट में मान चुके हैं, लेकिन वो कंप्लीट मोशन वाली बात नहीं है। अर्थ सन के चारों रिवॉल्व करता है। अगर अर्थ रिवॉल्यूशन बंद कर दे तो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स के अट्रैक्शन में वो आकर के संकुचित हो जाएगा और सोलर सिस्टम का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। यहाँ तक कि पूरा सोलर सिस्टम भी गैलेक्सी के सेंटर के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और जिस दिन सोलर सिस्टम स्टैटिक हो गया उस रोज़ सोलर सिस्टम का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। और अगर सोलर सिस्टम के आगे बढ़ें, गैलेक्सी की बात करें, तो बहुत सारे गैलेक्सीज हैं जिसमें हमारा अपना गैलेक्सीज मिल्की वे बोला जाता है, ये भी यूनिवर्सल सेंटर के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है। अब इसको बियॉन्ड यूनिवर्स किसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है या रुका हुआ है, अभी कल्पना के बियॉन्ड वाली बात है, क्योंकि वहाँ तक हमारा नॉलेज जाता नहीं। सीमित करते हैं अपने आप को और आ जाते हैं मोशन पे। मोशन की पढ़ाई, यहाँ तक कि हम जब एटम की बात करते हैं छोटे स्तर पे, तो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक उसी तरह से जैसे अर्थ सन के चारों रिवॉल्व करता है। अगर अर्थ ने अपना रिवॉल्यूशन बंद किया तो सोलर सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ने अपना रिवॉल्यूशन बंद किया तो क्या होगा, तब एटम कोलैप्स कर जाएगा। और सपोज़ कीजिए कि हमारे बॉडी का सारा एटम कोलैप्स कर जाए, हम कितने संकुचित हो जाएंगे, सीधे सीधी 10^5 टाइम्स छोटे हो जाएंगे। आज के डेट में कोई हमारा हाइट 2 इंच कम बताता है, झगड़ा कर लेते हैं, यहाँ तो 10^5 टाइम्स की बात है। इस बात को देखते हुए मोशन की पढ़ाई आपके लिए अहमियत भरी हो जाती है। और साथ ही साथ मोशन जब पढ़ रहे हैं, किसी भी तरह का मोशन क्यों नहीं हो, अभी मोशन में भी बहुत सारा डिवीजन होगा जिसकी बातें हम लोग आगे चल करके करेंगे, आप जान लो कि कुछ पैरामीटर्स हर तरह के मोशन में रहेंगे। और सबसे पहले मोशन को एनालाइज करने के लिए जो बेसिक पैरामीटर की ज़रूरत है उसकी बात करते हैं। सबसे पहला पैरामीटर आपका ओरिजिन है। ऐसे ओरिजिन को समझते हैं सब कोई, यहाँ पर ओरिजिन क्या है, एक फिक्स्ड है ना रेफरेंस पॉइंट है। और ये फिक्स रेफरेंस पॉइंट करेगा क्या, तो ये वो है जिसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू है ना, विच मोशन इज एनालाइज बोल सकते हैं या डिस्क्राइब्ड बोल सकते हैं। मोशन का डिस्क्रिप्शन यहीं से मिलेगा, ठीक है। अभी ओरिजिन एक पॉइंट है, इस पॉइंट को फिक्स पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं आप अपनी ज़रूरत के अनुसार, ओके। दूसरा चीज जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है मोशन को पढ़ने के लिए, वो है आपका पोजीशन। अगर पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी सहायता होगी, है ना, खुद के लिए भी मेरे लिए भी। तो पोजीशन क्या है, है ना, तो बेसिकली यहाँ पर पोजीशन ये लोकेशन है, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये जो लोकेशन हम बता रहे हैं वो फिर है ना किसके रेस्पेक्ट में है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है। अब आप बोलना चाहेंगे कि ओरिजिन, मैं बोल रहा हूँ कि ओरिजिन का नेचर होता है आर्बिट्री। आर्बिट्री का मतलब होता है
आप जो चाहें वो चूज कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। आप अपने घर को ओरिजिन मान सकते हैं, आप अपने मोहल्ले के किसी चौक चौराहे को ओरिजिन मान सकते हैं, आप अपने शहर के किसी विशेष स्थान को ओरिजिन मान सकते हैं। ये तो हो गई लोकल ओरिजिन, है ना। ये जो माइल स्टोन्स आप देखते हैं, माइल स्टोन्स पे लिखे रहते हैं, है ना, रांची या कोई जगह इतने किलोमीटर, तो कहाँ से, वो एक फिक्स ओरिजिन के रेस्पेक्ट में होगा। अगर ओरिजिन डिसाइड नहीं करें तो हम नहीं बता सकते कि किसके रेस्पेक्ट में हम दूरी की बात कर रहे हैं। ओके, ओरिजिन इतना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ओरिजिन चूज करने के बाद से अगर आपको कोई पूछता है कि आप पोजीशन बताओ, अब आप पोजीशन भी जब बताएंगे, है ना, तो एक चीज़ बताएंगे कि इस ओरिजिन से कहाँ पर है, कहाँ पर आप लोकेटेड हैं, कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ सिचुएटेड हैं, ये आपकी स्थिति या आपको पोजीशन बताएगा। और बिना पोजीशन जाने हुए मोशन की बात नहीं कर सकते। ओके, पोजीशन जानने के लिए हमारे पास एक और चीज़ होती है। हम अक्सर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज करते हैं, एक्सिस चूज कर सकते हैं एक्स। अगर हमको एक लाइन पे मोशन है तो एक्स एक्सिस डिस्क्राइब करके काम चल जाएगा। कभी कभी मोशन प्लेन में होता है तो हमको वाई एक्सिस की भी ज़रूरत होती है, और कभी कभी हमको मोशन स्पेस में होता है तो हमको जेड एक्सिस की भी ज़रूरत होती है। ओके, तो ये जो एक्स वाई जेड एक्सिस है, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। और इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम अपने पोजीशन को बताने की कोशिश करते हैं फिजिक्स के मामले में। हाँ, अब ये दिखता कैसा है कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके लिए मैंने ये बनाया है, कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप देखो, ग्रीन वाला एक्स एक्सिस, ब्लैक वाला वाई एक्सिस, तो रेड वाला जेड एक्सिस, और तीनों के बीच में आपस में 90 डिग्री बनता है, इसलिए इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये 90 डिग्री वाला म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया, आपस में 90 डिग्री कैसे भी रखोगे, ठीक है, ये पूरे स्पेस का हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए काफ़ी आसान है। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं, आप अपने घर का कोई एक कॉर्नर मान लीजिए कि ये वाला कॉर्नर मान लिया, और उसके रेस्पेक्ट में एक को एक्स मान लिया, दूसरे को वाई और तीसरे को जेड मान लिया। इस तीन एक्सिस के हेल्प से हम पोजीशन को फुल्ली और क्लियरली डिस्क्राइब कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई पार्टिकल इस स्पेस में यहाँ पर है, ठीक है, तो वैसे केस में इसका कुछ एक्स से डिस्टेंस होगा, एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, वाई से डिस्टेंस होगा, वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा, जेड से डिस्टेंस होगा, जेड कोऑर्डिनेट कहलाएगा। तो ये पॉइंट का पोजीशन हो गया। अभी एक तीसरा टर्म जो थोड़ा सा लेट से ही सही आता है, और ये तीसरा टर्म जो है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स वाई जेड का, कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके साथ एक काम कीजिए, प्लस टाइम कर दीजिए, है ना। मतलब एक्स वाई जेड तो लिख ही रहे थे, साथ में टी भी लिखिए। इसको मिला करके जो चीज़ें होती हैं वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाती हैं। फिलहाल तुरंत तो नहीं, लेकिन बाद के मौसम में ज़रूरत पड़ेगा, है ना। आइंस्टाइन ऐसे साइंटिस्ट थे, उनके पहले लोगों ने सिर्फ थ्री डायमेंशन की बात की थी। अच्छा, डायमेंशन, यहाँ डायमेंशनल मोशन के कंटेक्स्ट वाले में मत जाइएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ डायमेंशन एक्सिस को लेकर के है। यहाँ पर अगर आपके पास तीन एक्सिस हैं तो इसको थ्री डायमेंशन बोलेंगे, और अगर साथ ही साथ टाइम को इंक्लूड कर दें तो आइंस्टाइन का कहना था टाइम भी चौथा डायमेंशन है। और इन चारों डायमेंशन को लेकर के हमने बना दिया क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ज़रूरत पड़ेगी, देखा जाएगा। तो हमको ओरिजिन चाहिए, पोजीशन चाहिए, इसके बाद से नेक्स्ट जो चाहिए चौथा नंबर, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है डिस्क्राइब करने के लिए,
ये है आपका सराउंडिंग, है ना। सराउंडिंग भी मोर और लेस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही एक पार्ट है, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं तो सराउंडिंग क्या होता है, ये एवरीथिंग, है ना, एवरीथिंग अराउंड एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के चारों ओर, एक्सेप्ट, इसको छोड़ दीजिए, के अलावा। ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट छोड़ना है, अंडर कंसिडरेशन। अगर हम खुद को कंसिडर कर रहे हैं तो वैसे केस में, है ना, हमको खुद को छोड़ देना चाहिए, ऑब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। अगर मेरे सराउंडिंग की बात करेंगे, ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, सामने का कैमरा है, ठीक है, आसपास कोई है तो वो है, मैं अपना सराउंडिंग नहीं हूँ, ओके। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग को डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को छोड़ करके बाद बाकी उसके चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं उसका सराउंडिंग हो जाएगा, क्योंकि मोशन के डेफिनेशन में ये टर्म आएगा। और नेक्स्ट, है ना, पांचवा टर्म आपका जो है वो है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है ये बेसिकली कौन है, तो ऑब्जर्वर वन हु ऑब्जर्व्स मोशन। मोशन को ऑब्जर्व करने वाला ही ऑब्जर्वर है। क्रिकेट की मैच हो रही है, वहाँ एक एम्पायर होता है, खेलता नहीं हो, खिलवाता है और देखता है। अगर वो नहीं हो तो किसी भी मैच का कोई डिसीजन नहीं होगा। गली मोहल्ले के हर क्रिकेट मैच का अंत आप देख लीजिए। फुटबॉल के मैच में एक रेफरी, बड़ा भाग दौड़ करना पड़ता है उसको, बॉल के साथ जितना प्लेयर दौड़े उससे ज़्यादा उसको दौड़ना पड़ता है, फिट रहना पड़ता है, लेकिन वो गोल नहीं मारता, वो गोल मारने वाले को देखता है कि कहीं कोई ऑफसाइड वगैरह तो नहीं हुआ। अच्छा, उस ऑब्जर्वर का, जिसको आपने एम्पायर या रेफरी कहा, डिसीजन फाइनल होता है, उसके डिसीजन पे कोई क्लेम नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वर भी हमारे लिए एम्पायर इतना ही इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से एम्पायर के डिसीजन पे हम कोई कमेंट पास नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। कई बार ऐसा हुआ, सचिन बिना आउट होते हुए भी पवेलियन आया, एम्पायर ने जब आउट दे दिया, कुछ नहीं हो सकता। तो उसी तरह से ऑब्जर्वर जो बोल दे मोशन में, हमको उसको मान लेना है। यानी मोशन बेसिकली ऑब्जर्वर के कथनानुसार है, ऑब्जर्वर के स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है, यानी डिपेंडेंट है, एब्सोल्यूट नहीं है। आगे चल करके इस पर बात करते हैं। अब नोट लिस्ट बट लास्ट क्या है, हमारे पास एक और टर्म है जिसको देखना बहुत ज़रूरी है, और वो है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। पूरे मोशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट मानने वाले हैं, मान के चलने वाले हैं। कार है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बस है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बाइक है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इवन एक छोटा सा क्रिकेट का बॉल है वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल का बॉल भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है, मोटरसाइकिल भी पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अरे भैया, सब पॉइंट ही है तो फिर अलग अलग नाम क्यों दे दिया। इस चैप्टर में आप सबको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलिएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा कि डिस्टेंस, आगे चल के बताएंगे डिस्टेंस क्या होता है। ऐसे आप लोग जानते होंगे, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट मस्ट बी मच ग्रेटर, केवल ग्रेटर से काम नहीं चलेगा, मच ग्रेटर देन द साइज बोलिए ऑफ द ऑब्जेक्ट। तब वैसे हालात में, है ना, ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी
पॉइंट ऑब्जेक्ट। हाँ, इस पे आपका खासा ध्यान रहेगा क्योंकि पूरे चैप्टर में ऑब्जेक्ट के शेप साइज पे नहीं जाना, आपको कलर टेक्सचर पे नहीं जाना है, सिर्फ उसको पॉइंट मान के चलना है। अब अगर एक बाइक 2 मीटर का है, 1.5 मीटर का है, मान लीजिए कि 1 ही मीटर का, चलिए 1 ही मीटर मानते हैं, थोड़ा सा इसी बीच में कुछ होता है, और सिर्फ 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो ये क्राइटेरिया कंडीशन फुलफिल नहीं होता और वैसे केस में आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोल पाएंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलने के लिए वो बाइक 40-50 मीटर चला हुआ होना चाहिए, मतलब 50 मीटर उसके ओन डायमेंशन से काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसी तरह से बस की बात करें, 10 मीटर का है और 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, अब उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, ये गलत है। आपको वैसे केस में बस ने 0.5 किलोमीटर का डिस्टेंस के आसपास ट्रेवल किया, 400-300 मीटर ट्रेवल किया, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब ट्रेन की बात आई, ट्रेन का अपना साइज है ना, 400 मीटर के आसपास, 300 मीटर के आसपास होता है। अब उसने अगर 0.5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल भी कर लिया, तब भी आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलने के लिए है ना, ट्रेन को 5-10 किलोमीटर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन ट्रेवल कराना होगा और तब आप उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल पाएंगे। यानी यहाँ पर ये पॉइंट मैथ वाला पॉइंट नहीं है। मैथ में पॉइंट मतलब क्या होता था, एक ठो कहीं पर बिंदु मार दीजिए। अच्छा, ये पॉइंट मार्कर से मैंने मारा है तो बहुत बड़ा हो गया, एक काम करते हैं पेंसिल से मारते हैं। पेंसिल में भी डिफरेंट पॉइंट साइज के हो सकते हैं। तो मैथ का पॉइंट केवल एक डॉट है, फिजिक्स का पॉइंट डॉट नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर मॉडिफिकेशन होता है, इस बात को समझना है। कई बार लोगों के जहन में ये बात घुस जाती है, मैथ में तो पॉइंट मतलब डॉट पढ़ाया था और यहाँ पर डॉट मूव कर रहा है। नहीं नहीं, डॉट नहीं मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ऑब्जेक्ट को पॉइंट कंसिडर करने के लिए ये कंडीशन लगाया हुआ है। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको बड़ी खास तरीके से जाननी होगी। कुल मिलाकर के हमने बोला कि ये 5-6 चीज़ें आपको मोशन में बार बार आने वाली हैं। इसको एक बार पढ़ करके ध्यान दे दें, समझ लें, फिर कोई दिक्कत ना आएगी। चलिए ठीक है, वेल बढ़िया। अभी अगर हम मोशन की बात करते हैं, ठीक है, जब मोशन के इंट्रोडक्शन की बात हुई थी, तो मोशन की बात करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेज इट्स पोजीशन। अभी पता है पोजीशन क्या होता है, ठीक है, मतलब अपना लोकेशन, पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। देखिए सराउंडिंग अभी भी लिखा हुआ है, इसी से पता चलता है, और वो भी समय बदलने के साथ, विथ टाइम। तो यहाँ पर सराउंडिंग में तो एक्स वाई जेड तीनों आ जाएगा, और चौथा कोऑर्डिनेट जो पॉइंट है वो भी यहाँ मेंशन है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला कि मोशन पढ़ने के समय फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत पड़ सकती है, ज़रूरत जैसा हो वैसा हम लोग डिस्कस कर लेंगे, है ना। ऑब्वियस है कि अगर ऑब्जेक्ट है ना चेंज कर रहा है अपना पोजीशन, तो इसको मोशन में बोल दिया। रेस्ट डिफाइन करना हो है ना, तो सीधे बोल सकते हैं एन ऑब्जेक्ट, आप बताइए, इज सेड टू बी एट रेस्ट, रेस्ट मतलब स्थिर है ना, व्हेन व्हेन इट क्या डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन है ना विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ टाइम। तो ये रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन हो गया। अभी अगर हम बात करें
कि क्या रेस्ट और मोशन एब्सोल्यूट टर्म है? तो याद रखें, है ना, रेस्ट एंड मोशन आर नॉट एब्सोल्यूट टर्म्स, दे आर रिलेटिव। तो कभी कभी ये बोलता है इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कि रिलेटिव है। तो एग्जांपल में आप ले लीजिए, है ना, एज्यूम कर लीजिए कि एक ट्रेन इस तरह से, है ना, है चलने वाली, ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप खड़े हो, ठीक है। इस ट्रेन के कंपार्टमेंट में, एक बॉगी में आपके दो फ्रेंड बैठे हुए हैं, है ना, आप उनको सीक ऑफ करने के लिए आए हो, थर्ड फ्रेंड हो। ये जब ट्रेन रेस्ट में है तो आप भी बोल रहे हो कि आपका फ्रेंड रेस्ट में है, आपका फ्रेंड भी बोल रहा है कि तीसरा फ्रेंड रेस्ट में है, और तीसरा फ्रेंड म्यूचुअली सभी को बोल रहा है क्या कि रेस्ट में है, ठीक है, ओके। अभी बात करेंगे इसी रेस्ट की। एक चौथे फ्रेंड को एक काम कीजिए, मून पे लेके जाइए, हाँ उसी तरह से जैसे राकेश शर्मा गए थे इंडियन, और वहाँ से देखने के लिए बोलिए क्या मून पे गए हुए फ्रेंड ये बोल पाएंगे कि रेस्ट में है? नहीं। क्यों नहीं? आप सही कह रहे हो, एक तो उनको रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण इनके मोशन नज़र आएंगे, ये रोटेट करते हुए नज़र आएंगे, और दूसरा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण ये रिवॉल्व करते हुए भी नज़र आएंगे। तो दो अलग मोशन चौथे फ्रेंड ने, ऑब्जर्वर ने क्लेम कर दिया, जबकि ये फ्रेंड जो सी ऑफ करने आया था, अगर इसको कुछ क्लेम करना होता तो बोलता ये दोनों रेस्ट में है। ओके, अभी आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगर मान लीजिए ट्रेन चल पड़ी, अब ये भी फ्रेंड नहीं बोलेगा कि वो दोनों रेस्ट में है, लेकिन आमने सामने बैठे हुए फ्रेंड वो तो एक दूसरे को क्लेम करेंगे कि वो दोनों रेस्ट में है। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ ये तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो क्लेम क्या करता है, वो बताना क्या चाहता है, और उसने जो बताया वो बात माननी है, पहले मैंने कह चुका है। ओके, एक और एग्जांपल ले लें। अगर मैं रेस्ट में हूँ तो मैं खुद को रेस्ट में बोल सकता हूँ, लेकिन सामने वाला हो सकता है रेस्ट में नहीं बोले। जैसे आप यहाँ रेस्ट में हैं और एक बाइक पे जाता हुआ बंदा आपको देख रहा है, उसके रेस्पेक्ट में विथ टाइम आप अपना पोजीशन चेंज कर रहे हो, यानी वो बंदा क्या क्लेम करेगा कि आप मोशन में हो, इनफैक्ट वो मोशन में है, लेकिन उसने अगर अपने को ऑब्जर्वर क्लेम किया तो वो तो देख रहा है आपका पोजिशनल चेंज। ओके, कभी कभी लॉन्ग जर्नी में, ट्रेन में, बस में ट्रेवल करने के समय आंखें बंद हो जाती हैं, नींद आ जाता है, और जब नींद खुलता है ना तो हमें ये नहीं लगता है कि बस चल रहा है, हमें लगता है कि सामने के पेड़ पौधे चल रहे हैं, बिल्डिंग्स चल रहे हैं थोड़ी देर के लिए। ओके, तो ये क्या है, एक तरह से हमारे आभास करने पे, अनुभव करने पे, एक्सपीरियंस करने पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं, हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है।